बरमान बस स्टैंड के पास पुलिस विभाग की मास्क के नाम पर अवैध वसूली का सिलसिला बस्तूर जारी है। अगर बाइक सवार नागरिक या कार सवार नागरिक मुंह पर मास्क लगाए भी मिल रहे हैं, तो इसके बावजूद पुलिस के द्वारा गाड़ी के कागज मांगे जा रहे हैं, लाइसेंस दिखाने को कहा जा रहा है, अगर लाइसेंस भी दिखाया जा रहा है तो हेलमेट मांगा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ भी नुक्सा निकाल कर पुलिस के द्वारा केवल वसूली को अंजाम दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अस्पताल जा रहा है या फिर कोई अन्य जरूरी कार्य से बाहर जा रहा है, लेकिन इसका पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। कोरोना की मार झेल चुकी जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस के द्वारा मास्क के नाम पर वसूली का धंधा ही शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही हालात बरमान चौकी के पास बने हुए हैं। पुलिस के द्वारा मीडिया कर्मियों पत्रकारों को भी आईडी दिखाने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी लगातार पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है कि बरमान चौकी प्रभारी को नागरिकों ने कई बार अपराधियों पर कार्रवाई करने की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि चौकी प्रभारी भी अवैध वसूली में से हिस्सा ले रहे हैं। पत्रकारों के साथ अगर पुलिस का इस प्रकार का दुर्व्यवहार रहा तो आम जनता का क्या होगा? पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनहित में अवैधानिक रूप से सड़क पर खड़े होकर वसूली कर रहे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे, ऐसी आशा जनता ने जताई है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।